वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 का, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का एक टाइप है। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानना है, क्यूबिकल इक्वेशन को कैसे पहचानना है। अगर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 है देन लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे कि 2x + 5 = 0, हाईएस्ट पावर 1। दूसरा, अगर हाईएस्ट पावर 2 है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 10 = 0। इस इक्वेशन में देखिए, ये जो है ये आपका हाईएस्ट पावर 2 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही देखना है। क्यूबिकल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 रहता है, जो हमें नहीं देखना। हमें ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2x² + 5 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जनरल फॉर्म में आप कैसे चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ax² + bx + c, यहाँ 3 टर्म्स दिख रहे हैं पर यहाँ 2 ही हैं, लेकिन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको जनरल फॉर्म में हम बना के देखते हैं। तो ये जो है ये a होगा, देखिए a होगा, x² यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे bx वाला जो टर्म है वो नहीं है, c कॉन्स्टेंट ये है, bx वाला टर्म नहीं है। तो हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, 2x² + जो कोफिशियंट ऑफ x है उसको हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, 0 के वजह से ये टर्म ये जो है 0 हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो इसको हम जनरल इक्वेशन में ये लिख सकते हैं, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज में सीधा जाते हैं, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज
4.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको कैसे चेक करना है, चेक करने के लिए हमेशा एक ही उपाय होता है, आप इसको जितना से ज़्यादा हो एक्सपेंड करिए, कैलकुलेट करिए, उसके बाद फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मूला में जा रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में गया है। कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं, मैंने उस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड किया है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 6, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर 1, यहाँ 2x माइनस 6, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये जाएगा माइनस 2x, ये यहाँ प्लस 1 यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7, 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कहेंगे हाँ है। कैसे, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, देखिए 2 है, तो 2 वाला हाईएस्ट पावर जिसका 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पर यहाँ पे और एक बात देखने के है, यहाँ पे जो है एक्स वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a a जो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये 1 है, b कोफिशियंट ऑफ x होता है वो 0 होगा, और c जो है वो 7 है, तो इस हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है हमें। तो आगे जो है क्वेश्चन इसी तरीके से, क्वेश्चन जो है आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में हमको इसको बना के देखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, बाकी क्वेश्चन जो है उससे पहले वाला आप लोग कर लेना, ट्राई करके देखना। 7 और 8 मैं बता देता हूँ, या 7 बता देता हूँ, कोई एक बता देता हूँ इसमें से। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 2 क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.1 का 1 का 7, इसमें है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ इसको क्या करना है, ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है हमें पता करना है। तो आप क्या करोगे, ये भी फॉर्मूला में जा रहा है, ये फॉर्मूला है, देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वैसे ही माइनस का भी फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ये आपको क्लास 9 में ये फॉर्मूला मिला होगा, a माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला देख लेना आप लोग, उसके हिसाब से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे,
इसको इसको ब्रेक करेंगे तो ये फॉर्मूला ए क्यूब पहला वाला का क्यूब एक्स क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब टू का क्यूब कितना होगा एट, अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, फिर थ्री ए स्क्वायर बी इंटू है बी प्लस फिर क्या आएगा थ्री ए इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो पावर प्लस हो गया टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इंटू वन टू एक्स रहेगा। अब इसको ओपन कर लो ये एट हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये आता है फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब बाकी सबको इधर भेज लो तो एक्स क्यूब इसको इधर भेजा तो माइनस टू एक्स क्यूब इसको भी भेज लो टू एक्स ये आ जाएगा प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब ये प्लस माइनस 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 में आएगा तो माइनस एक्स क्यूब रहेगा। ये दोनों भी एक्स एक्स है सेम टर्म है लाइक टर्म्स इसमें भी एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं तो माइनस टू प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो और ये सॉल्व हो नहीं सकता और सॉल्व होगा नहीं तो यहाँ हाईएस्ट पावर आ जाता है थ्री जो कि क्यूबिक इक्वेशन बना देता है इसको। ये जो इक्वेशन है ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन सो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आप इसको सीधा नहीं लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे वेरीफाई करना था इट इज़ नॉट वेरीफाइड इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है बस सिंपल सा है ये एक्सरसाइज इसमें आपको यही करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एट को भी करके देख लो। क्वेश्चन नंबर एट में क्या है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब ये माइनस टू का ये फॉर्मूला लगेगा लगा के देख लेना एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यहाँ क्लियर कट है ये फॉर्मूला लगाओ तो फर्स्ट ए क्यूब माइनस टू का क्यूब एट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस फॉर्मूला में पुट करके देख लेना एट माइनस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए मतलब एक्स है और बी का स्क्वायर ठीक है यहाँ तो यही रहेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस एट ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री इंटू फोर ये टू का स्क्वायर है फोर हो जाएगा ट्वेल्व एक्स ठीक है बाकी सबको इधर लेके आओ माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन सॉरी ये इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब ये इधर आएगा प्लस एट ये इधर आएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो लाइक टर्म कौन सा ये है और दोनों का साइन भी अपोजिट है कैंसिल आउट ठीक है हाँ उसके बाद सिक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये होगा टू एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे माइनस ट्वेल्व यहाँ पे माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस थर्टीन एक्स और यहाँ पे वन और यहाँ पे एट ये प्लस होकर नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट्स
ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे मैंने तीन क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है 4.1 का, बाकी जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।